पहले ही ता, तादाद के अतबार से आ, एक है प्रॉब्लम और दूसरा आजकल इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तीन दिन हो गया है थर्ड डे है कल और परसों तो शाम को बंद हो गया था दिन में रहा लेकिन शाम सात बजे से आधी रात तक यानी मेरे सोने के टाइम तक तो बंद था फिर मैं सहरी में उठी तो आ रहा था कल भी और परसों भी तो रात को मेरी दो क्लासेस होती है वो मैं कल और परसों नहीं ले पाई और आज गया तो नहीं शुक्र है आ रहा है लेकिन बहुत स्लो है चलता है बंद होता है चलता है बंद होता है तो देखे कितना साथ देता है हमारा आज वसाद यू इला मकफिलातिन में दौड़ो अपने रब की मकफिलत की तरफ व जन्नतिन और जन्नत की तरफ जन्ना असल में नाम है एक इसलाही जिस तरह आप देखें आ, बागात अगर हो तो कोठी का नाम रख दिया जाता है गुलिस्तान बूस्तान वगैरह या जहां अरबों की आबादियाँ हुआ करती थी सहरा में तो वो खजूर के दरख्त वहां प्लांट करते थे उसे नखिल नखल कहते हैं तो वहाँ घर होते थे आबादी होती थी ना बाकायदा तो उसको नखलिस्तान कहते थे उसी तरह चूंकि अल्लाह सुबहाना तला के आबाद करदा इस आबादी में बहुत बड़े बड़े बागत होंगे महल के गिरद लिहाजा बड़ी दिलचस्प मजे की बात है कहिए रजी अल्लाह तु के पास एक साहब कहने लगे कि मैं कोई आपसे दुआ सीखना चाहता हूँ कि मैं कैसे अल्लाह से दुआ मांगू कि अल्लाह मुझे जन्नत में घर दे दे तो रजील तुने कदर खुश मिजाजी के साथ का जन्नत में घर नहीं है तो वो बंदा हैरान हो गया कहने लगा कि आप क्या कह रहे हैं अबूतर आप जन्नत में घर नहीं है तो हजतली मुस्कुराए कहने लगे नहीं जन्नत में तो महलत है लिहाजा जन्नत में महलत है कसूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कसर की जमा है महलत है उन महलत के गर्द अजीम श्शान बाग़ात है अजीमशान तो वो बागात की वजह से उसका नाम जन्ना हो गया है तो जन्नत की तरफ और जिसकी चौड़ाई है वसत है अर्ज वैसे चौड़ाई को ही कहते हैं लेकिन यहां मुराद वस्सत है आसमान और जमीन के बराबर ये आसमान और जमीन क्या है यूनिवर्स है हमारी अर्थ से आसमान तक क्या है यूनिवर्स है आसमान और जमीन से मुराद सिर्फ लैंड मासिस की या ग्लोब हमारे ग्लोब की बात नहीं हो रही वो तो बहुत छोटा है जी बहुत छोटा है बहुत ही छोटा है जन्नत तो बहुत बड़ी है बहुत अजीम तो इस अजीम शान जन्नत की वसत यूनिवर्स के बराबर है और इद्दत तैयार की गई है लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए जहन्नुम तैयार की गई ओइ्दत अलकाफरीन और जन्नत तैयार की गई मुत्तकीन जो अल्लाह के खौफ से रुक जाते हैं तकवा वाले हैं अल्लाजीना कौन है जी तकवा वाले क्या सिफतें पैदा करें अल्लाह जी कि इस जन्नत के किसी कोने के हकदार हम भी बन सकें अल्लाजीना ये वो लोग हैं जो यूनफिकूना ख़र्च करते हैं खुशी में माल खर्च करते हैं जब उनके पास पैसा होता है वो हैप्पी होते हैं लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो वो पैसा खर्च करते हैं इनके जब उनके पास पैसा आ जाता है वो अमीर हो जाते हैं दौलतमंद होते हैं और उनकी जिंदगी बड़ी सेटल्ड होती है तो वो अल्लाह को भूले हुए नहीं होते यानी उनकी दौलत जो है उनकी अमारत जो है वो फिरौन और कारून और हमान और नमरूद और शद्दात जैसी नहीं होती अयाशी के लिए पैसा नहीं खर्च करते वो दुनिया में अपनी जिंदगी कंफर्टेबल बनाते हैं इस पर कोई पाबंदी भी नहीं है आपको पता है उस्मान रजी अल्लाह तआला का जो घर था ना उसमें 17 कमरे थे माशाल्लाह बड़े-बड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं उस्मान रजी अल्लाह तआला हु नरम कपड़े पहनते थे शुरू से साहिब माल थे अच्छा खाना खाते थे तो जब उनके खिलाफ साजिश भी हुई और बगावत भी की गई तो इल्ज़ाम लगाए गए कि अबू बकर और उमर तो बड़े सादा कपड़े पहनते थे और मोटा जूटा खाते थे तो आप क्यों अच्छे कपड़े पहनते हैं और आप क्यों ऐसे तो उन्होंने कहा कि आज की बात तो नहीं मैं तो शुरू से अच्छा कपड़ा पहनता हूँ मैंने कभी मोटा खुरदरा कपड़ा नहीं पहना ना मैं पहन सकता हूँ मैं शुरू से अच्छा खाना खाता हूँ मैंने कभी रूखा सूखा नहीं खाया और ना मैं खा सकता हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर कभी एतराज नहीं किया ना मेरे घर के बड़े होने पर ना मेरे दस्तरखान की बड़े तवील होने पर और ना मेरे कपड़ों की कीमती होने पर मैं ये सब अपने माल में से करता हूं तो अच्छा लिबास पहनना अच्छा खाना खाना या घर का अच्छा होना मेंटेन रखना घर का एक नॉर्मल हद तक ये नहीं कि अब कले बना कर बैठ जाए कुछ दिन पहले मेरे साथ मेरी पोती थी तो एक इमारत को उसने देखा वैसे वो खानका है तो वो कहने लगी दादो लुक इट्स अकासल इट्स अकासल वो बना भी कासल के ही उस पर हुआ है नक्शे पर तो मैंने कहा जी बेटे इट्स अ कैसल तो बात ये है कि दुनिया के अंदर महल और जन्नतें बनाकर नहीं बैठ जाना हाँ एक नॉर्मल जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है अच्छा कि घर घर खुला हो बड़ा हो अच्छा हो कंफर्टेबल हो इसमें कोई हर्ज नहीं अलैहि वसल्लम ने कहा ना अल्लाह के बंदे पर फसल की अलामतों में चार चीजें शामिल हैं और उनमें एक चीज आपने कहा घर का खुला और बड़ा होना तो ये कोई बुराई नहीं है ये कोई बुराई नहीं अलबत् जो पैसा है अपनी जरूरत के बाद वो अल्लाह की में खर्च करें अल्लाह के बंदों पर खर्च करें ये नहीं कि पैसा लेकर बैठ गए नहीं आयाशु पे नहीं लगाना वक्त राई और तकलीफ में से है यानी कि जब वो किसी तकलीफ का शिकार होते माली तंगी है हालात तो में कुछ खराबी है तब भी वो माल खर्च करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक ठीक है उतना नहीं कर सकते जितना कर सकते उतना तो करें वल काम वाइज़ा, काजामा कहते हैं चूस लेने वाले को एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्ब करने को काजिम का मतलब होता है एब्जॉर्ब करने वाला जिस तरह डस्टर फोम होता है ना आप पानी पे रखें तो वो सोख कर लेता उसे काजिम कहते हैं तो जब्त कर जाते हैं पी जाते हैं अल गुस्सा गुस्से को पी जाते हैं गुस्सा आता है उन्हें ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, इंसान है फितरी अमर है नापसंदीदा चीज़ों पर गुस्सा आता है लेकिन गुस्से को जब्त कर लेते हैं गुस्से में फट नहीं पड़ते चीखना चिल्लाना शुरू नहीं कर देते रिएक्ट नहीं करते रिएक्ट नहीं करते हमारा मसला यही है हम रिस्पोंड नहीं करते हम रिएक्ट करते हमें रिस्पोंड करना चाहिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए रिस्पॉन्स के लिए हमें गौर करना पड़ता है थोड़ा टाइम चाहिए होता है रिएक्शन फोरी होता है Every action has a reaction. तो हम अपने को हैं। हम कर फौरन वार करते हैं। ऐसा नहीं होता गुस्सा पी जाता है, करीम की है। आप सल्लाम के बारे में सहाबा कहते हैं कि आप सलम को गुस्सा आता तो हमें आपके चेहरे से पता चल जाता आपका चेहरा सुख हो जाता लेकिन आप सलम तब तक चुप रहते जब तक आपकी तबीयत मामूल पर ना आ जाती जब आपकी तबीयत मामूल पर आ जाती तब आप बात का जवाब देते तो ये आपकी सुनत है मुबारका है डोंट रिएक्ट जस्ट रिस्पोंड और रिस्पॉन्स के लिए गौर फिक्र करके जो है वो बात करें जवाब तो मोमिनों की सिफत है गुस्सा पी जाते हैं जब्त कर लेते हैं। और फिर आगे चलते गुस्से पर काबू ना हो सकने की वजह से हम अपनी बहुत सारी गलतियां नेकियां जो हैं वो जाया कर देते हैं बहुत सारी गलतियां हम गुस्से में करते हैं जितने भी नेगेटिव काम हैं देख ले कत्ल हो झगड़ा हो लड़ाई हो तलाक हो भाइयों का अलग होना हो जो कुछ गलत होता है वो गुस्से में होता तो इसीलिए गुस्से को पी जाना बाशूर अफराद का काम है देखें एक बेशर इंसान का तरीका यह है कि हर बात का पलट कर फौरन जवाब दे रिएक्ट करे दरमियाने दर्जे का शौर यह है कि कुछ संभल कर जवाब दे और शौर की सबसे आला सत यह है कि बुराई के बदले में भी भलाई करे ये सबसे आला दर्जा है लिहाजा शोर की सबसे निचली सतह है जैसा आपके साथ किया गया पलट कर वैसा कर रहे तो जानवर करते हैं आप जानवर से प्यार करेंगे जानवर, आप प्यार आप जानवर, को तंग करेंगे, जानवर भी आपको मारेगा आगे से यह जानवर का लेवल है शोर की सबसे निचली सतह इससे ऊपरी सतह यह है शोर की कदरे बेहतर सतह यह है कि कोई बुराई करे तो खामोश हो जाते हैं नजरअंदाज कर देते हैं और शौर की सबसे आला सतह जिसे एहसान कहता है इस्लाम वो ये है कि बुराई के बदले में बेहतरीन नेकी करे और यही हुक्म अल्लाह सुबहाना दिया है अल्लाह सुबहाना कहते हैं कि बुराई के बदले में भी बेहतरीन नेकी करो तब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाए और अल्लाह अपने बंदों की सिफत बताते हैं यद ऊन सई बिलहसना ये वो लोग हैं जो बुराई को अच्छाई के जरिए हटाते हैं तो लिहाजा ये सिफत पैदा करने के लिए गुस्से पर काबू होना जरूरी है क्योंकि अगर गुस्से पर काबू नहीं होगा फर्ज करें कि किसी ने कुछ बुरा भला कहा पलट कर उसको बुरा भला कह दिया बाद में बेशक जाकर माफिया मांग ले, वो अंडू तो नहीं हो जाएगा किसी को थप्पड़ मार दिया बाद में जाकर लाख माफी मांग ले अगला माफ कर भी दे लेकिन कहीं ना कहीं मलाल तो रह जाता है वो जिसको कहती है ना कि शीशा टूट जाता है जब तो उसको जोड़ लो जुड़ जाता है मगर दरार रह जाती है बिल्कुल उसी तरह जब हमने रिएक्ट कर दिया अगले को फिर उसके बाद बेशक हम माफी मांग ले और अगला माफ कर भी दे नामा अमल में अंडू तो हो जाता है मगर रिश्तों में फर्क तो आ जाता है तो असल उसूल है गैस को गुस्से को पी जाना तो मोमिन जी गुस्सा पी जाने वाले होते हैं गुस्सा पी जाना हिम्मत का काम है गुस्से का इजहार तो कुत्ते बिलियां भी कर लेते हैं लिहाजा आप देखें कि अगर किसी बात पर नाराज हो जाए जानवर है ना हो जाए नाराज तो ये मारते हैं। हाँ इंसान का लेवल है ये कि इंसान बावजूद गुस्से के, के सब्र कर लेता और ये बहुत आला सिफत है जी जिसे नसीब हो जाए वल आफीन अन लोगों को माफ कर देते हैं आफुफ से है आफुफ कहते हैं किसी चीज को मिटा देने को ख़त्म कर देने को तो किसी के मुतलक जो नाराजगी है दिल में उसे मिटा देना इस तरह से के फिर उसको दोबारा बहस में ना लाना लेकिन जो चीज़ मिटा दी वो ख़त्म हो गई ना अगर आपका कोई लेजर है आपने तो उसमें से कुछ इरेज कर दिया रिमूव कर दिया अब वो रहा ही नहीं बिल्कुल इसी तरह अगर किसी से कोई नाराजगी है कोई गुस्सा है उसको जब माफ़ कर दिया तो फिर उस बात का जिताना बाकी नहीं रहता बात खत्म हो जाती तो वल आफीना अन नाज लोगों तो को माफ कर देते हैं माफ कर देते हमारा मसला ये है कि जब झगड़ा होता है हम फिर पहले दिन से शुरू करते हैं जब मैं शादी होकर आई तो ये शुरू हुआ और फिर हम एंड तक जाते हैं आज के वक्त में रहें आज की बात करें जो रिसेंट प्रॉब्लम उसे सॉल्व कर लें जो हो गया सो हो गया माफ कर दे और जिस चीज़ को हम माफ कर देते हैं उसे हम भूल जाते भुला दे देखें दिल अल्लाह का घर है इस घर में अच्छी अच्छी चीजें सजाएं कूड़ा करकट रखने की क्या जरूरत है अगर किसी ने कुछ बुरा किया कुछ गंदा काम किया के दफा करें अगर मैं ये सवाल करती होती हूं अक्सर अपने स्टूडेंट से कि अगर आपके घर में आकर कोई पॉटी कर दे या उल्टी कर दे तो आप क्या करेंगे उसे संभाल के रख लेंगे नहीं ना साफ कर देंगे अपनी अपने क्योंकि आपका घर है बेशक अगले ने बेशौरी की हरकत की गंद डालकर चला गया आप क्या करें घर तो हमारा है ना उसको साफ करेंगे अच्छी तरह से कि उसका निशान भी बाकी ना रहे फिनाइल लगाएंगे कोई एयर फ्रेशनर यूज करेंगे कि स्मेल तक नहीं आनी चाहिए भाई मेरा घर साफ हो जाए तो दिल मेरा है किसी ने ऐसी गंदी हरकत की कि मेरा दिल को खराब कर दिया उसमें गंद डाल दी अब मैं उसका गंद अपने दिल में संभाल कर बैठी रहूं गंद उसका दिल मेरा खराब नहीं तो मैं अपने दिल को साफ कर पोचा मार के रगड़ के खुशबू लगा के टाइम लगता है और साफ नहीं हो जाता जिस तरह हम बर्तन जल जाता है ना तो फौरी साफ नहीं होता आप क्या करते हैं कूची मारते हैं फिर भी देते हैं फिर कुची मारते हैं फिर भी देते हैं फिर कुची मारते हैं फिर भी घो देते हैं। है ना जलने की भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती है ना दूध जल जाए तो ज़्यादा मुश्किल से साफ होता है हांडी अगर आम जल जाए तो नस्बतन जल्दी साफ हो जाती है चावल भी मुश्किल से उतरते हैं जल जाए तो डिपेंड करता है क्या चीज़ जली और कितनी शिद्दत से जली उसी तरह मुख्तलिफ चीजें हमें मुख्तलिफ तरह इफेक्ट करती हैं कुछ चीज़ें दिल से जल्दी चली जाती हैं कुछ देर से जाती हैं मगर कूची मारते रहें और कूची क्या है दिल की इस्तार इस्तार करें और आमदा नदामत के आंसुओं से मलें फिर बहाए आंसू फिर कूची मारें फिर बहाए आंसू फिर कूची मारें इनशाला एक दिन तो चमक उठे कर बड़ी खूबसूरत बात है हमारे एक सर थे वो कहा करते थे कि बेटे दिल साफ करो कभी किसी पंजाबी में बात करते थे वो पुत्र दिल साफ करो कभी किसी ने गंदे पांडे बीच दूध पाया कि नहीं अल्लाह भी अपनी रहमत आपके दिल पर उतार देंगे इल्म उतार देंगे तोज्जो करेंगे दिल पर तब जब दिल साफ होंगे गंदे बर्तन में कोई दूध नहीं डालता तो अपने दिल को साफ करना है और दिल को साफ करने का तरीका है आफव क्योंकि देखिए हमारे दिलों में जो गिरहे हैं वो अफराद के रवैयों से है ना भाई ने ये किया बहन ने वो किया खाला ने ये किया सास ने ये किया बेटे ने ये किया बहू ने ये किया अब इन सारी गिरहों का हल क्या है बहुत आसान है माफ करते माफ करते अल्लाह जी हमने इन्हें माफ किया क्योंकि हम पसंद करते हैं कि आप हमें माफ करते माफ किया माफ किया तो फिर इंशाल्लाह दिल साफ हो गए मुहसिनीन। अल्लाह पसंद करता है एहसान करने वालों को तो एहसान क्या है एहसान में दो बातें हैं। पहली बात किसी का हक हो या ना हो उसे दे और दूसरा बेहतरीन तरीके से दे। बेहतरीन तरीके से दे। सबसे अच्छी शक्ल जो नेकी की है वो एहसान है क्योंकि एहसान हुसम का है तो अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से तो बस एहसान करने वाले बन जाए लेकिन बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए बहुत ज्यादा हौसला चाहिए एक का दफा कोई नेकी कर लेना आसान होता है कंटिन्यूअसली नेकी करना मुश्किल है तो एहसान के दर्जे तक दौड़ लगानी है वल्लजीना ये वो लोग हैं जो जब फ करते हैं फाहिशतन कोई बेहयाई का काम कोई फाहश काम कर बैठते हैं या जुल्म करते हैं हम अपने नफ्सों पर फाहश काम करते हैं या गुनाह कर लेते हैं फहशी के अलावा भी तो गुनाह है ना कोई और गुनाह कर लेते हैं जक याद करते हैं अल्लाह को यानी कि अल्लाह से कनेक्टेड है वक्ती तौर पर किसी जज्बात में आकर किसी लज्जत में आकर कोई गुनाह कर बैठे तो उन्हें फौरन अल्लाह याद आ जाता है वो अपसेट हो जाते हैं के मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा कर तो लिया फस्त अखर फस्त तो माफी मांगते हैं ये अपने गुनाहों की तो फौरन अल्लाह से माफी मांगते यानी कि जैसे ही रियलाइज होता है कि गलती हो गई इस तखबार करते हैं गुनाह पर अड़े नहीं रहते वमन कौन है यकू जो बख्श दे जुनूब गुनाहों के इला अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा, सिवा गुनाह बख्शने वाला कौन है कोई नहीं है जी सिर्फ वही है बड़ी प्यारी एक दुआ है इस्तार है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंची है आ, अली रजी तु के थे उनके साथ अली रजी तन सवारी पर बैठे और कहा बिस्मिल्लाह फिर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह فردوا بدي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر فردوا بدي ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله من ابتجان فرد بخط ظلم كيه تو مجي بخشت تيري سوى بخشن والا كوي और फिर मुस्कुराए, तो उनके गुलाम ने कहा कि आप क्यों मुस्कुराए तो अली रज़ी ने कहा नबी करीम को मैंने ऐसे ही यही दुआएं इसी तरतीब से पढ़कर आ, सवारी पर बैठते देखा और आपने जब ये इस्तार पढ़ी तो मुस्कुराए तो मैंने भी यही क्वेश्चन किया कि आप किस बात से मुस्कुराए तो आपने कहा कि यानी कि नबी करीमल वसलम ने कहा कि मैं अल्लाह के मुस्कुराने को याद करके मुस्कुराया क्योंकि जब बंदा ये दुआ पढ़ता है रब्बी नफसी ली। ला तुलूब इल्ला अल्लाह जी मुझे माफ कर दीजिए मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किए हैं लेकिन आप माफ कर दें क्योंकि आपके सिवा माफ करने वाला कोई नहीं तो अल्लाह मुस्कुराता है बंदे की इस दुआ पर तो इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज है लिहाजा इस्तिग़फ़ार किया करें तो अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं जिनसे गुनाह हो जाता है तो वो फौरन इस्तार करते हैं वलम वलमसरु इसार नहीं करते उन्होंने किया जो गुनाह किया उस पर इसरार नहीं करते इसरार से क्या मुराद है बार बार करना और दूसरा मतलब यह है कि गुनाह के लिए ना एक्सप्लेन जस्टिफिकेशन जाना नहीं मेरा तो कोई इरादा नहीं था वो तो यूं किया वो तो वो हो गया या आजकल लोग ऐसे ही करते हैं हु? अपने गुनाह को जस्टिफाई नहीं करते मान लेते हैं और और रिपीट नहीं करते उसे वो, या लामून और वो जानते हैं क्या जानते हैं जी कि अल्लाह के सिवा कोई माफ करने वाला नहीं और वो ये भी जानते हैं कि गुनाह पर इसरार खुद एक गुनाह है <laughs> <laughs> यही लोग हैं जजा बदला है उनके उनके लिए मक़फ़िरत उन मक़फ़िरत का मे रब उनके रब के पास ये वो लोग हैं जिनके रब के पास उनके लिए मक़फ़िरत का बदला है यानी उनका रब उनको जजा में बख्श देगा वह जन्नत उन और जन्नात जन्नतें अता करेगा तजरी तह अनहारू जिनके नीचे नहरें जा रही हैं खालिदीना पीहा उसमें हमेशा रहने वाले हैं इन आमाल का ये बदला है कि जन्नतें मिलेंगी और हमेशगी की जन्नतें मिलेंगी व नीमा अजर आमिल करने वालों का बदला बहुत अच्छा है कद खलत बेशक गुजर चुके मैं कबली तुमसे पहले सुना कई गरो तुमसे पहले बड़े गरो गुजरे बड़े जमाने गुजरे बड़े अफरा गुजरे फीर उफिल और जमीन में घूमो फिरो फंजरू देखो कई फकाना आके बतुलमकजीन छुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ अल्लाह कहते हैं तुम दुनिया की पहली कोई तरक्की याफ्ता कौम नहीं आ गए तुमसे पहले बड़ी कौमें थी बड़ी नस्ले थी बड़ी तरक्की की फिर तबाह कर दिए गए जाओ जमीन में घूम फिर कर, कर देखो जो तुमसे पहले झूठे जुटलाने वाले थे इनकार करने वाले थे उनको क्या सजा मिले हा जा बयानस ये कुरान तो इंसानों के लिए एक वाज कलाम है वाज बया, बयान के अपने अंदर ये माना है ना बैन से है ऐसी बात जो खुली हुई हो एक खुली हुई बात है वह हदन और हिदायत है व मो इजत नसीहत है लिलमत्त मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए कुरान वाज़े पहली बात किसके लिए है अन्नास के लिए <coughs> कोई स्कॉलर्स के लिए नहीं है जी कोई पी एच डी के लिए नहीं है कुरान अन्नास के लिए है हर आम आदमी के लिए एक टैक्सी ड्राइवर के लिए एक खेत मजदूर के लिए एक एवरेज बंदा जो एक नॉर्मल अकल रखता है वो कुरान को समझ सकता है और समझ के आएगी जी हिदायत मिलेगी उदन हिदायत मिलेगी और दिल नर्म होगा वाज है मऊ इज़्ज़त वाज, वाज ऐसे बयान को कहते हैं ऐसी तकरीर को कहते हैं जो दिल नर्म कर देती है तो कुरान दिल नर्म कर देगा लेकिन इससे नफा उठाने की शर्त वही है जो बकरा शुरू हुई तो अल्लाह ने बयान कर दी थी रालकल किताबुल बफी ही हदमतिन हिदायत मुत्तकीन के लिए बात फिर यहाँ पर वही आ गई है कि कुरान बिल्कुल वाजह है कुरान हिदायत का सरचश्मा है कुरान दिलों को नरम कर देगा लेकिन ज़रूरत है की। अगर तकबा अख्तियार नहीं करेंगे तो कुरान से नफा नहीं ले सकेंगे मैं इसकी मिसाल फिर आपसे वही अर्ज करूँगी आम जिंदगी से अगर कोई मरीज हो एक मरीज है उसे अस्तिमा है और वो परहेज ना करे ठंडा खाए खट्टा खाए तो बेशक वो दवाई खा भी रहा हो उसे नफा बहुत कम होगा और दूसरा मरीज है कि उसको भी अस्थिमा है लेकिन वो दवाई के साथ परहेज भी कर रहा है जो चीज़ें मनाए वो छोड़ दी है उसने तो जाहिर है वो बहुत तेजी से रिकवर करेगा और दवाई उस पर ज्यादा असर करेगी तो कुरान है मेडिसन रूहानी अमराज की और कुछ चीज़ें रूहानी अमराज से शिफा के लिए छोड़ देनी पड़ेंगी जब तक हम वो चीजें जिनसे रोका गया है छोड़ते नहीं है तब तक कुरान नफा तो देगा लेकिन पूरा नहीं देगा तो कुरान से कमा हक्का नफा उठाने के लिए मना ना चीजें दें तो परहेज करेंगे तो इलाज ज्यादा अच्छा होगा लिहाजा कुरान वजे है कुरान सरचश्मा हिदायत है कुरान दिलों को नर्म कर देगा जिससे दिल बदल जाएंगे लेकिन शर्त यह है कि साथ तकवा का इस्तेमाल वरना कुरान का नफा तो होगा मगर कम होगा ठीक है अब यहां से मौजू शुरू हो रहा है गजबा ओहद का तो इसको अब कल शुरू करेंगे इनशा अगर आज आप कुछ कहना या पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं चलिए फिर आज की क्लास खत्म करते हैं तो शायद कल अल्लाह बेहतर फरमा दे इन लोग हमारे साथियों के हाल को ना भी हो जो भी हो कल हम ये अगला मौजू शुरू करेंगे यहाँ से इनशाला गजवाए उहद का मौजू है सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वनस्तगफिरुका वनतूबु इलैक